मैरा जरा निखत के लिए रोटियां ले आई है तो तुम बाहर कैसे आई? मैं वहां से भाग गई। भाग गई? आपको खुदा का वास्ता है राशिद मियां, आप चाहे तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दीजिए, चाहे तो मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन मुझे दोबारा वहां मत भेजिए। बड़ी भी आपके पैर पड़ रही हूं, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी भी। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया, मुझे बहुत अफसोस है उस बात का बड़ी भी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूं, मुझे वहां दोबारा मत भेजिए। आप लोग चाहे तो मैं जमीन पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे वहां मत भेजिए, मुझे वहां मत भेजिए दोबारा बड़ी भी। नहीं अम्मी, किसी का गुनाह एक बार माफ करना बड़प्पन होता है, लेकिन दोबारा माफ करना बेवकूफी। नागिन लाख बार अपना फन पटक ले, लेकिन मौका मिलते ही दस्ती जरूर है। मैं मर जाऊंगी राशिद मियां, मैं मर जाऊंगी। अगर आपको मुझे मारना है तो यही मार दीजिए, यही मार दीजिए मुझे, लेकिन ऐसे तिल तिल करके मरने के लिए मत छोड़िए मुझे। मेरी अम्मी ने जिंदगी का 30 दिन तक इंतजार किया है, आप मौत का कुछ दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? आपको माफी नहीं मिलेगी। राशिद, रजिया तुम्हारी गुनहगार है, तुम इसके साथ जो चाहे सुलूक करो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। रजिया ने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा इससे ज्यादा उमेरा को मिल रही है। मेरी बच्ची बहुत बड़ी बीमारी के बाद ठीक हुई है, उसे अपनी अम्मी की जरूरत है। मैं भी हुमेरा की भलाई की बात कर रहा हूं भाईजान। देखने दीजिए उसे भी कि सच क्या है, देखने दीजिए हुमेरा को भी कि उसकी अम्मी किस तरह की औरत है। अरे जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद इन्हें मसाला फैक्ट्री में छोड़ाएगी। मैं अभी वहां पे फोन कर रहा हूं। समझाइए ना राशिद मियां को, मैं वहां दोबारा नहीं जाना सर, समझाइए। अम्मी नहीं, वो बस कुछ नहीं, इनको दादी की फिक्र हो रही थी, वही जाहिर कर रही थी। अब ठीक है, ये आइए उठिए। हुमेरा
हमें तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? वो मेरा अब अबू ये कह रहे हैं कि तुम दादी के लिए सालन बना दोगी प्लीज। हाँ यार तुम अब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। उमेरा के लिए हमें इन्हें यहां रखना पड़ेगा। उसे एक और सदमा नहीं दे सकते। वो आपने देखा वो कैसे पैनिक हो गई? अरे जिस औरत ने अम्मी की यह हालत की तुम उसे बचाना चाहते हो? नहीं नहीं, इन्हें इनकी सजा मिलेगी लेकिन अबू उमेरा की कीमत पर नहीं। दादी आप ही बताइए मैं सही कह रहा हूं ना? दादी आप सॉरी लेकिन मैं उमेरा को दोबारा नहीं खो सकता। दादी मान गई है प्लीज आप भी मान जाइए ना। आपने अपनी आंखों से दादी को इतने दर्द से गुजरते हुए देखा है, आप क्या चाहते हो? मेरा भी वैसे ही तरस है। उसकी जिंदगी का सवाल है अबू, प्लीज मान जाइए, अम्मी समझाइए ना अबू को आप। वाहिद सर्व करना भूल गए, कोई बात मैं सर्व करती कि एक बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया तो दूसरी का रिश्ता आ गया। अयान अपनी उंगली से कहो कि चुप रहे, गुस्से में कुछ भी बोले जा रही। मैं नजमा से मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं मैं यहां कभी नहीं आता लेकिन मेरे दिल में मेरे भाई के लिए मोहब्बत इस घर के लोगों के लिए नफरत से कहीं ज्यादा है। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। मैंने सोचा कि मैं यहां आ जाता हूं तुमसे मिलने। अयान मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। जब मैं ये जानता हूं कि तुम परेशान हो तो मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम्हें निखत की फिक्र है। जी हाँ मुझे निखत की फिक्र है, बहुत फिक्र है। खैर लेकिन आप बताइए आप यहां क्यों आए हैं? बयान मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि मुझे निखत से ज्यादा नजमा की फिक्र है। तुम्हें ये बताने आओ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आपको निखत की उसकी खुशियों की उसके जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है। मैंने निखत से बात की थी, उसने कहा था कि इस रिश्ते के टूटने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसने कहा था और आपने मान लिया? उसने जो कहा था आपने वो सुना लेकिन आप उसकी खामोशी नहीं समझ पाए। वो चाहे कुछ भी कह ले भाईजान मैं जानता हूं क्योंकि उसने अपनी सारी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की थी। लेकिन तुम खुद ही सोचो आयान, अगर इमरान ने अपनी जुबान से कहा है कि वो निखत से प्यार नहीं करता तो निखत ऐसे इंसान के साथ निकाह करके खुश रहती? मोहब्बत इंसान को
मोहब्बत इंसान को बोलने की ताकत देता है, अगर इमरान को निखत से मोहब्बत है तो उसके हाथ में बोलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि नजमा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि निखत ऐसे इंसान के साथ निकाह ना करे जो उसे मोहब्बत नहीं करता, और ये बात वो भी समझती है, वो जानती है, शायद तभी उसने ये रिश्ता तोड़ा है। और रिश्ता टूटते ही नजमा और इमरान का रिश्ता जुड़ गया। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि निखत ये सब नजमा के लिए कर रही हो? सोचा आपने? आयान, अगर तुम्हें लगता है कि निखत को नजमा और इमरान के रिश्ते से हमेशा अफसोस रहेगा तो हम में से कोई नहीं चाहता कि निखत का दिल तोड़ के नजमा का घर बसाया जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाईजान। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था बात वहीं खत्म हो गई, फिर अब किस बात की बहस कर रहे हैं? निखत भाईजान, मैं समझती हूँ कि आप मुझे अभी भी बच्ची समझते हैं, पर मेरा यकीन कीजिए, आपकी ये बच्ची अब बड़ी हो गई है, वो जिंदगी के ऊंच नीच को बर्दाश्त कर सकती है। वैसे भी मैं इमरान को पसंद करती थी, पर इसमें नजमा की कोई गलती नहीं है और ना ही इमरान की। मैं अपने गुजरे हुए कल की वजह से नजमा का आने वाला कल बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। निखत भाईजान, आपको मेरी कसम है, आप असद भाईजान को ये रिश्ता जोड़ने से नहीं रोकेंगे, और आप तो मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो बस इस रिश्ते में ही मेरी खुशी है। और वैसे भी वो जैसी खुशकिस्मत कोई बहन हो ही नहीं सकती जिसे मोहब्बत करने वाले ऐसे दो भाई मिले हैं। आयान, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए तो बस एक लफ्ज कहने की देर है, मैं रिश्ता खुशी खुशी तोड़ दूंगा। अब निखत ने मुझे अपनी कसम दे दी है भाईजान, मैं कुछ बोल नहीं सकता। आयान, मेरी बात का यकीन करो, मैं निखत का हमेशा ख्याल रखूंगा, किसी भी काम को उस तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। भाईजान, जानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपकी बातों से कितना सहमत हूं, लेकिन हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ
ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच में कभी भी कोई भी दरार खड़ी हो जाए, कभी भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा यार। असल कहाँ हो बेटा? वो एक्चुअली हसीना बी का फिर से फोन आया था, अब उनसे कुछ तो कहना पड़ेगा ना। क्या कहूँ बेटा? उनसे कह दीजिए कि वो घर आ जाए। ठीक है। वाओ, ये स्टार्स कितने ब्यूटीफुल हैं। नजमा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, जब मिस्टर खान ने मुझे ये सरप्राइज दिया, I was like crazy। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूँ। हाइजा ने इमरान की अम्मी को बुला तो लिया, लेकिन आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। वैसे लाइफ कितनी अनफेयर होती है ना। क्यों? मैं तो प्लान्स बना रही थी कि जब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी तो तुम्हें ऐसे तंग किया करूंगी, वैसे तंग किया करूंगी। तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। तुमने तो पहले अपना एस्केप प्लान बना लिया। जैसे टिपिकल टीवी में होता है ना, ननद भाभी वाला झगड़ा, वो करना था मुझे। आई थिंक मैं भी वो सारे झगड़े बहुत मिस करूंगी। वेल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी झगड़ सकते हैं। गेट अप, गेट अप, गेट अप। ओके, प्रॉपर टीवी वाली फाइट है, ननद भाभी वाली। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। क्या क्या क्या? तुमने काम करने से मना कर दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? निकल जाओ इस घर से। What यार? You're not supposed to laugh, Najma. Be in the character ना। ननद वाला परफॉर्म करो। बोलो अपना डायलॉग। सोया, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर सकती। It's not possible। क्योंकि आज आपकी वजह से मैं और इमरान एक हो पाए हैं। किसी के करने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। And you know what? जोया फारूकी ने अपने सुपर एक्स-रे विजन से ये पता कर लिया है कि तुम इमरान से बहुत मोहब्बत करती हो, है ना? जोया, मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसा भी कोई एहसास होता है। आई मीन, मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। How sweet। पर आप सही कह रही हैं। मैंने कभी खुद से भी इकरार नहीं किया था कि मैं इमरान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। थैंक यू सो मच जोया। आज आपकी वजह से मैं ये बात एक्सेप्ट कर पाई हूँ। पता नहीं आपके बिना मेरा क्या होता। क्या होता? कुछ नहीं होता। किसी आलू जैसे मुटल्ले लड़के से तुम्हारा निकाह हो जाता और तुम्हारे वेडिंग कार्ड पर लिखा होता आलू वेड्स टमाटर। वाह। तुम्हें बहुत मिस करूंगी यार। मैं भी। नॉट मोर देन मी। कम हियर।
मैं चलती हूँ। तो तुम सिर्फ मिस फारूकी को मिस करोगी? नहीं भाईजान, आपको भी।